और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं पीसीसी, जहां पर सैम पित्रोदा की प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, आपने देखा कि जीएसटी से क्या हुआ। हम एयरपोर्ट से आ रहे थे जब कार में हमारे साथ एक बिजनेसमैन थे लोकल, उन्होंने मुझे दो तीन बातें कही कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस को अफेक्ट हुई है लास्ट पांच साल में, कैसे बिजनेस को दबाया गया है कि आप ये न बताएं। इन ए सेंस अकॉर्डिंग टू मी डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड, फ्रीडम हैज बीन कर्व्ड, वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू स्पीक अप, मीडिया अकॉर्डिंग टू मी हैज नॉट बीन वेरी फेयर, नॉट दैट ऑल मीडिया, सम मीडिया, एंड ट्रूथ डजंट गेट द स्पेस इट शुड गेट। अब आप देखिए राहुल गांधी के बारे में 10 साल से क्या लिखा गया है। हम जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से, हम जानते हैं हाउ स्मार्ट ही इज, हाउ एजुकेटेड ही इज, हाउ क्लेवर ही इज, हाउ कमिटेड ही इज, एंड आई नो हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, बट लुक एट द मीडिया अटैक्स, आफ्टर अटैक्स फॉर 10 ईयर्स, बट द यंग मैन हैज बीन एबल टू राइज एंड फाइट। सो मीडिया ऑल्सो हैज played an important role in shaping the present narrative. To me, present narrative is false promises, lies after lies, undermining of democracy, lack of performance, and in the process you have not created any jobs. Jo main mudda aaj hai wo hai about jobs. Agar aap jobs create nahi kar sakte to desh aage nahi badh sakta. फॉर्चुनेटली पेट्रोल की प्राइस लोअर रही है लास्ट पांच साल में। अगर जो पेट्रोल की प्राइस मनमोहन सिंह के टाइम में थी वो रहती तो अभी बहुत नुकसानी होती। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, अभी आपने देखा होगा, और उसकी इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत गहरी पड़ेगी। We are lucky that in the last 5 years petrol has remained low in price, and as a result bad governance doesn't show up as much as it would. Desh ke samne abhi main mudda hai jobs ka, kyunki hamara desh jawan hai, 600 million people are below age of 25, we must create 100 million jobs in 5 years, 7 years. आखिरी पांच साल में एक भी नया जॉब नहीं क्रिएट किया है। इनफैक्ट जो जॉब्स थे उसमें से 50 लाख जॉब्स कट हो गए हैं, और यह काम बहुत कठिन है, इन्हें जॉब क्रिएट करना नहीं आता। 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी नहीं बना, और आप कहते जाते हैं लोग को 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। मोदी साहब ने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाया, मुझे याद है 12 साल पहले उन्होंने कहा था कि दिस विल बी द बिगेस्ट फाइनेंस सिटी इन द वर्ल्ड। 300 एकड़ जमीन ले ली, 12 साल के बाद 2 बिल्डिंग्स खड़े हैं वहां पे, कोई है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ILFC जो उसके पार्टनर थे गिफ्ट के, दे आर बैंकरप्ट, लेकिन कोई इसके बारे में लिखता ही नहीं है, कोई रिपोर्टर ने कोई कभी स्टोरी नहीं की इसके बारे में। क्यों? जब हम पूछते हैं तो सरकार गुस्से हो जाती है। हमने बालाकोट के बारे में पूछा, सब लोग कहने लगे देशद्रोही हैं। आप कौन है हमें देशद्रोही कहने वाले? हमें जो कहना है हम कहेंगे, ये डेमोक्रेसी है। एज ए सीनियर सिटीजन आई हैव ऑल द राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस, आई एम ए कंसर्न सिटीजन, एंड आई बिलीव इन ट्रूथ, एंड आई विल प्रमोट ट्रूथ, एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस। आप गोल गोल बरोड़ बरोड़ के कुछ
इधर से उधर ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य जो है वो बाहर आएगा, आज नहीं तो कल। और सत्य क्या है कि 5 साल में देश की दशा बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आता। हम देखते हैं बाहर से, हम देखते हैं अंदर से। ये देश में काम बढ़ाना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी को आगे लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी नीड एजुकेशन फॉर यंग, वी नीड हेल्थ फॉर ऑल, वी नीड बेटर इकोनॉमी, मोर इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट न्यू बिजनेसेस, वी नीड टू एनकरेज अवर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, टेक केयर ऑफ अवर किसान एंड टेक केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ अवर वुमेन। ये सब बातों का बहुत विचार किया गया, और ये जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है आप लोगों ने देखा होगा, ये मैनिफेस्टो में 52 चीजें लिखी गई है। दीज 52 थिंग्स आर फॉर रियल, वी विल डिलीवर। हम जानते हैं ये कैसे करना। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, सिक्योरिटी एंड किसान का दाम एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। बट देर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मैनिफेस्टो। न्याय, जो ये स्कीम आपने देखी है, सुनी है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, वेर वी विल अटैक पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग 72,000 रूपीज टू एवरी पुअर फैमिली टू लिफ्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड गिव देम रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल। हमने पहले नरेगा में यही किया था, उस वक्त भी लोग कहते थे कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे, वो हो गया। इस वक्त भी लोग पूछते हैं कैसे होगा, बहुत विचार किया गया इसके बारे में, ये होगा, मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, और जल्दी से होगा। हमारी इकोनॉमी अभी $3 trillion की है, एट 72,000 रुपीज ए ईयर फॉर 50 मिलियन फैमिलीज इज $50 billion, विच इज 1.5% ऑफ द टोटल इकोनॉमी। एंड इफ अवर इकोनॉमी ग्रोज एट 8% बाय 2024, इट विल बी 4.5 trillion एंड विल बी क्लोज टू 1% ऑफ अवर इकोनॉमी। इट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अवर पुअर, एंड कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज focused on people at the bottom of the economic pyramid. Our developmental model is bottom up and not top down like Modi Sarkar has. So with this, I want to thank you all. I want to thank my colleagues from Congress Party for giving me this opportunity. And I hope we can have a broader conversation. Dhanyavaad. Thanks for everybody for coming. And I hope we'll have a quiet, meaningful, friendly conversation and not typical conversation that you see on Indian TV where log 6 log ek saath hi bolte hain, pata nahi wo log kaise samajh sakte hain, hamare to dimag mein nahi aata, lekin roz chalta hai wo television pe. Dhanyawad. Bataiye. Ha boliye, ek ek ke baad ek karte hain, bataiye. Ji. इकोनॉमी डेवलप होती है।